अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फेक करार देते हुए इसे हत्या बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार दोषियों को बचाना चाहती है, मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए। अखिलेश ने कहा सपा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी, हालांकि ये जिम्मेदारी और ये काम दोनों ही सरकार का है, लेकिन सरकार ये काम कर नहीं रही है, इसलिए विपक्ष को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ऐसा अखिलेश यादव ने झांसी में एक प्रेस वार्ता में कहा। एक नौजवान की हत्या कर दी गई फर्जी इनकाउंटर दिखा करके, और आज के जमाने में तो सब कुछ अवेलेबल है, सीसीटीवी है, अगर वो गाड़ी चोरी करके भाग रहा था तो वो सब कुछ होगा सीसीटीवी में कहीं ना कहीं, या कोई चला करके आ रहा होगा तो वो भी सीसीटीवी में होगा। जिन लोगों की भूमिका है इसमें, क्या लोकेशंस नहीं पता लग जाती आज? इसलिए ये हत्या हुई है, हत्या। तो सीधे अखिलेश यादव का कहना है कि ये हत्या हुई है, आम जनता को दुखी किया जा रहा है। पुष्पेंद्र के परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार का रवैया लचर है, सरकार का एटीट्यूड कामकाज ठीक ठाक नहीं है। सपा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है, और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है, यानी जो विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए कहती थी, अब वही बात विपक्ष में रहते हुए आदित्य तिवारी हत्याकांड पर सरकार सक्रिय है। लखनऊ से एडीजी आशुतोष पांडे भेजे गए हैं। एडीजी ने